जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन। प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970। नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। मैं प्रदेश सचिव गप्पू सिंह, महानगर प्रभारी। आज किस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? आज हम लोगों ने शिवसेना को एक लक्ष्य की तरफ संगठित किया है और घाट के माझी समाज के लोग 100-150 युवा पीढ़ी आज शिवसेना में शामिल हुए हैं। क्या वजह था? ये हिंदुत्व इनको प्यारी है, हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए तैयार है और पूरे सर समाज के साथ इस बार शिवसेना आगे बढ़ेगी। घाट पर ही योजना क्यों बनाया गया? घाट पर इसलिए योजना बनाया गया कि ये घाट के ही नाविक लोग हैं, ये लोग शिवसेना में उत्तेजित होकर के शिवसेना को में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। घटनाएं बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे आप? घटनाएं बढ़ रही थी, अभी तक बढ़ रही थी, लेकिन अब घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी? इसलिए कि हम लोग अब काफी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं और घाट को हम लोग अब अपने निरीक्षण में रखेंगे। महाराष्ट्र में क्या कर देंगे आप? महाराष्ट्र में हमारा सरकार चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 5 साल सरकार हमारा चलेगा। उद्धव साहब का सख्त निर्देश है कि पूरे भारत में शिव सैनिकों को अब चुनाव लड़ाया जाएगा। बनारस में क्या विचार आपका है? बनारस में हम लोग आने वाले समय में हमारे भी सभासद और विधायक और सांसद तैयार होंगे। अब उत्तर प्रदेश कितने लोगों का अभी तक हम लोगों ने करीब 550-600 लोगों का सदस्यता अभियान, नए लोगों को अभी हम लोगों ने जोड़ लिया है। कितना लक्ष्य है आपका? हम लोगों का लक्ष्य है 50,000 शिव सैनिक यहाँ पर हम लोग उतारेंगे, तभी उद्धव साहब यहाँ पर हम लोगों को संबोधित करने वाराणसी आएंगे। हाँ, जितेंद्र पाठक, महानगर प्रमुख हूँ, युवा सेना। क्या ये कार्यकर्ता सम्मेलन है का शिविर हम लोग आयोजित किए हैं पतित पावनी माँ गंगा के निर्मल धारा पे, और हम लोग चाहते हैं जो भी हम मध्यम वर्गीय लोग और जो भी निचले जाति के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका कार्य नहीं हो रहा है, जो परेशान हैं, उनका सपोर्ट हो और हम लोग उनका साथ दें और कंधे से कंधा मिला के हम लोग एकजुट हों। और महाराष्ट्र के बाद हम उत्तर प्रदेश को भी चाहते हैं कि शिवसेना की लहर में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग के मुख्यमंत्री निर्वाचित हों। 2022 की चुनाव में हम चाहते हैं कि शिवसेना का सरकार बने उत्तर प्रदेश में। तो आज आपने क्या किया? जी आज आपने क्या किया? हम लोग समाज संगठन में सदस्यता का किए हैं शिवसेना में। सदस्यता आपने दिलाई? आज शिवसेना के कौम में हमको लगता है 100-150 लोग का सदस्यता हुआ है और निरंतर जारी रहेगा हम लोग का। क्या लक्ष्य आपका है? बस उत्तर प्रदेश चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना की सरकार बने। लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाना है, शिवसेना को लाना है।